मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम दफ्तर में तैनात किए गए अधिकारी को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम साहब का काम भी अजब है। उन्होंने अपने दफ्तर की कमान ऐसे व्यक्ति को सौंप दी है जिनके कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। 3 साल तक लंबित रहे इस महानुभव के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जो कथित रूप से हनी मनी से ओतप्रोत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आखिर आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखना होगा दिल्ली एनडीए सरकार इस पर क्या करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आगे लिखा है कि अब देखना होगा कि दिल्ली में एनडीए की सरकार में बैठे इनके आका, जो भ्रष्टाचार की इस बंदरबांट में बराबर के हिस्सेदार रहेंगे, या फिर हमारे भोले भाले प्यारे मोहन जी के जन विरोधी कदमों को पुनर्विचार की हिदायत देते हुए उन्हें सद्बुद्धि से जन कल्याणकारी निर्णय लेते हुए निर्देश करेंगे। क्या एमपी का शासन और प्रशासन सब भगवान भरोसे ही चलेगा? इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र की पूरी कार्रवाई जनसंपर्क और मीडिया चैनलों के जरिए लाइव प्रसारित की जाए। अगर विपक्ष दल के विधायकों को प्रसारण नहीं होता तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बजट पर भाषण के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगाई जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा है कि आपसे विधानसभा की संपूर्ण कार्रवाई का लाइव प्रसारण किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया था। संबंध में मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि सदन की संपूर्ण कार्रवाई को लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। सदन के सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र की जनता सुनना और देखना चाहती है। अनुरोध है कि सदन की संपूर्ण कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाए, अन्यथा किसी भी तरह के लाइव प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यहाँ तक कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के भाषण को भी लाइव प्रसारण पूर्णतः वर्जित हो। सदन में किसी भी तरह के कैमरे अथवा रिकॉर्डिंग को ले जाना प्रतिबंध किया जाए।